लिव कलरफुली विद फ्लायलॉजिकल। आज हम आपके लिए 2023 3 फरवरी की करंट अफेयर्स लेके आए हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। पहला प्रश्न है, किस शहर को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शंस हैं हमारे, पहला ऑप्शन है ए विशाखापट्टनम, बी विजयवाड़ा, सी कुर्नूल, डी काकीनाड़ा। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम, इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम होगी। मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने नई राजधानी के नाम की घोषणा कर दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य की राजधानी को विशाखापट्टनम स्थानांतरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेड्डी ने कहा कि वह अपना कार्यालय विशाखापट्टनम में स्थानांतरित करेंगे। 23 अप्रैल 2015 को आंध्र सरकार ने अमरावती को अपनी राजधानी घोषित किया था। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा लिखित द पावर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया है? ऑप्शंस हैं हमारे, जगजीत सिंह, मेघनाथ देसाई, अशोक शर्मा, राजेंद्र सिंह। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मेघनाथ देसाई, इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। इंडिया बॉर्न नेचुरलाइज्ड ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट मेघनाथ देसाई हैज रिटन अ न्यू बुक टाइटल्ड द पावर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबंडेंड द पुअर, विच हाइलाइट्स हाउ द डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स हैज सिस्टमेटिकली चेंज्ड सिंस द लेट 18th सेंचुरी, इंटरेस्ट्स वर systematically kept on the periphery. The book is published by HarperCollins Publishers India. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय सेना ने किस राज्य में सैन्य अभ्यास त्रिशाक्री प्रहार किया है? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? So the answer is, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या है, 21 जनवरी से 31 जनवरी 2023 तक उत्तर बंगाल में एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशात्री प्रहार आयोजित किया गया था। अभ्यास का उद्देश्य एक नेटवर्क एकीकृत वातावरण में नवीनतम हथियारों और उपकरणों का उपयोग करके सुरक्षा बलों की युद्ध तैयारियों का अभ्यास करना था, जिसमें शामिल थे सेना, भारतीय वायुसेना और सीएपीएफ के सभी हथियार और सेवाएं। अभ्यास का समापन 31 जनवरी 2023 को तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास के साथ हुआ। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। किस शहर में इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ऑप्शंस हैं हमारे, चंडीगढ़, इंदौर, लखनऊ, रांची। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। चंडीगढ़ में G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय मीटिंग खत्म हो गई। इस सम्मेलन में 20 देशों से आए 100 प्रतिनिधियों को चंडीगढ़ के बेहतरीन जगहों पर ठहराया गया। वहीं 2 दिवसीय सम्मेलन में विश्व से जुड़ी ग्लोबल संस्थाओं के साथ साथ अर्थव्यवस्था से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा भी की जाएगी, जिनमें विशेष तौर पर गरीब देशों की अर्थव्यवस्था, कोरोना काल में बिगड़ी अर्थव्यवस्था कर रहे देशों की मौजूद आर्थिक समस्याओं पर किए जा रहे
काम और विश्व की बड़ी संस्थाओं द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बहुत बढ़िया बात है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसी के साथ अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020 से 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा कॉलेज हैं? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सो द ऑप्शन इज सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHE 2020-2021 जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा कॉलेज उत्तर प्रदेश में है, इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का नंबर आता है। ठीक है, भारत में कॉलेजों की संख्या के मामले में शीर्ष 10 राज्य राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और केरल प्रत्येक में प्रति लाख जनसंख्या पर कम से कम 29 या अधिक कॉलेज हैं। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। जापान में आयोजित पहले वीर कार्जियन युद्ध अभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन है? मैंने आपको बता चुकी हूँ पिछले क्वेश्चंस में, बहुत इंपॉर्टेंट है। भावना कांत, श्रीविद्या राजन, माव्या सूदन, अवनी चतुर्वेदी। आपको नाम से पता चल रहा होगा ऑप्शन नंबर डी अवनी चतुर्वेदी इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। रीवा जिले की अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली लड़ाकू महिला है, लड़ाकू पायलट महिला है। ठीक है, महिला होने के साथ ही अब एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर लिया है। वह विदेशी धरती पर युद्ध अभ्यास कर लड़ाकू विमान चलाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। उनके साथ 3 अन्य महिला पायलट सहयोगी के रूप में साथ थीं। अवनी सतना जिले के कोथीकचन गांव की निवासी हैं। अवनी के पिता दिनकर चतुर्वेदी बाढ़ सागर के गंगा कछार ऑफिस में इंजीनियर हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हरमनप्रीत कौर इसका सही उत्तर है। अगला व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न की। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने भारतीय महिला क्रिकेटर टीम की कल कप्तान हरमनप्रीत कौर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। प्यूमा इंडिया और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रबंधक निदेशक अभिषेक गांगुली ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि जिस तरह से वह साहसिक और उग्र क्रिकेट खेलती हैं, वह हमारे ब्रांड के लिए एकदम फिट है। एक ब्रांड के रूप में प्यूमा हमेशा समय से आगे रहा है और खेलों में महिलाओं का समर्थन करने, जश्न मनाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये करार उस दिशा में एक बड़ा कदम है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूल शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है? ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है दिल्ली। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। दिल्ली स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली सरकार के स्कूलों के शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है। 28 जनवरी 2023 से फरवरी 2023 के बीच इस कार्यशाला में दिल्ली सरकार के स्कूलों के लगभग 4000 शिक्षकों के भाग लेने की उम्मीद है। अगला प्रश्न। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स सूची में कौन पहले स्थान पर है? ऑप्शंस हैं ए मुकेश अंबानी, बी एलॉन मस्क, बर्नार्ड अर्नोल्ड, गौतम अडानी। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बर्नार्ड अर्नोल्ड इसका सही उत्तर है। बर्नार्ड अर्नोल्ड इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। इसमें गौतम अडानी दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर।
ये पहले चौथे स्थान पर थे। फ्रांस के बर्नार्ड अर्नॉल्ट की कुल संपत्तियां 91 बिलियन डॉलर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इसके बाद। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी या 4 फरवरी, कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, 2 फरवरी। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्द्रभूमि के संदर्भ में जागरूकता और इसके संरक्षण हेतु विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। दरअसल 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया था। इस वर्ष रामसर कन्वेंशन की 50 वर्षगांठ मनाई जा रही है। पहली बार विश्व आर्द्रभूमि दिवस को 1997 में मनाया गया था। भारत भी रामसर कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021 की थीम वेटलैंड रेस्टोरेशन है। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट दिस वीडियो। थैंक यू।